नमस्कार दोस्तों, आज की रेसिपी है वेनिला मिल्कशेक। बहुत ही सिंपल है इसे बनाने में दोस्तों, तो चलते हैं इसे हम झटपट बना लेते हैं मिल्कशेक पीने के लिए। तो इस मिल्कशेक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एक मिक्सर जार लेना पड़ेगा, और इस मिक्सर जार में हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लेंगे वेनिला आइसक्रीम। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच, हम यहाँ पर जो आइसक्रीम निकालते हैं उस चम्मच से, तो 2 चम्मच मैं यहाँ पर वेनिला आइसक्रीम ऐड करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच शुगर डाल दूँगा, मतलब चीनी डाल दूँगा मीठा करने के लिए। आप जितना मीठा पीना पसंद करेंगे उतना ही आप यहाँ पर ऐड कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेनिला सेंस ऐड किया हूँ 1/2 चम्मच। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, तो ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पर एक ही ड्राई फ्रूट लिया हूँ, वो है काजू लिया हूँ। आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद होगा वो। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर 2 गिलास लेंगे, और इस गिलास में हम यहाँ पर 1/2 चम्मच डाल देंगे रूअफ़ज़ा। रूअफ़ज़ा डालने से बहुत ही बढ़िया ये मिल्क शेक की खुशबू आती है, और पीने में भी बहुत ही मज़ा आती है। तो 1/2 चम्मच हम दोनों गिलास में ऐड कर दिए हैं रूअफ़ज़ा, और इसके बाद हम ये मिल्क शेक हमारा जो तैयार है वो गिलास में ऐड कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों इस मिल्क शेक में, और इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर बादाम को चॉप करके ऐड किया हूँ, और इसके बाद मैं थोड़ा सा दोनों ग्लास में रूअफ़ज़ा ऐड कर दूँगा, और ये हमारा तैयार हो गया है दोस्तों वेनिला मिल्क शेक। अगर ये मिल्क शेक आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।